हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F23 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन का वाईफाई अगर कनेक्टेड होने पर भी आपके वाईफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके वाईफाई का इंटरनेट अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, वाईफाई का इंटरनेट काम नहीं करता है, ऐसी बहुत सारी कमियां जो है वो दूर हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं या फिर अपडेट आता है तो पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सबसे पहले इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे की साइड सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ऊपर की साइड डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर आपको टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पर अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ अगर दिखाई देता है तो यहां पर आपको उसे टैप करना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपकी जो वाईफाई की इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहां पर आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट कर देना है। देखिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है प्रॉपरली कभी कभार ठीक से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे वाईफाई के इंटरनेट में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको जो है अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है और यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है रीसेट। रीसेट आप टाइप करेंगे तो आपको नीचे की साइड रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लेकर आ जाएगा, आपको रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट सेटिंग का, रीसेट सेटिंग पे आपको टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको फिर से इसे रीसेट पे टैप करना है तो आपको नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग रीसेट। इस तरीके से आप जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का एक बार जो है APN सेटिंग को रीसेट करना है। मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको ये सबसे ऊपर कनेक्शन का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये नीचे की साइड ऑप्शन मिलता है मोबाइल नेटवर्क का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है। एक छोटा सा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट लिखा होगा, इसे आपको टैप करना है। इसके नीचे की साइड आपको ये रीसेट APN सेटिंग के इस पेज में रीसेट पे टैप करना है तो आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा APN सेटिंग रीसेट टू डिफॉल्ट। इस तरीके से आप जो है APN सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहां पर आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को है ना एक बार रीसेट कर देना है। देखिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज आपको अपने फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये सर्च बार पे रीसेट आपको टाइप करना है तो आपको नीचे की साइड रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा, आपको रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बता दिए सारे प्रोसेस आपको यूज करने तो इससे आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।